नेक्स्ट टॉपिक है विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हो, ठीक है। यानी अगर कोई भौतिक समीकरण दिया है तो उसके दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं आपस में समान होनी चाहिए। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस at लिखा है तो u की विमा v के बराबर होनी चाहिए, u की विमा v के बराबर होनी चाहिए और at की विमा भी v के बराबर होनी चाहिए। तो कोई भी भौतिक समीकरण में भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हो, ठीक है। या ये भी कह सकते हो इस रूल को कि विमीय समांगता के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं आपस में समान होनी चाहिए। विमीय समांगता के सिद्धांत के कुछ उपयोग होते हैं। पहला उपयोग है भौतिकी के समीकरणों की सत्यता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना दूसरा है, तीसरा है किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। तो आज हम पहला केस देखेंगे भौतिकी के समीकरणों की सत्यता की जांच करना। पहला है भौतिकी के समीकरणों की सत्यता की जांच करना। कोई भी भौतिक समीकरण है उसके हमें सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो पहला लिख लेते हैं समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये समीकरण सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को नोट करते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे लिखेंगे v की विमा, v क्या है यहां पे वेग है, तो वेग की विमा क्या होती है एल टी माइनस वन। हमेशा हमको जब भी हम निकालें यहाँ पर तो हमें वेग या जितने भी डायमेंशनल फार्मूला वो सब याद होने चाहिए, तभी हम इसके जो उपयोग है उनका हम उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। अगर डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद है तो हम एक भी क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला से नहीं लगा पाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। तो v क्या है यहाँ पे अंतिम वेग है, कोई सा भी वेग हो उसकी विमा एल टी माइनस वन ही होगी। u क्या है प्रारंभिक वेग, तो u की विमा बराबर एल टी माइनस वन। और ए टी की विमा, तो ये क्या कह रहा है ए की विमा गुणे टी की विमा। तो अब ए, ए क्या है यहां पे त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है एल टी माइनस टू इंटू टी यानी समय, तो टी हो गया, समय की विमा टी होती है। तो ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू घात, इस पर कुछ नहीं इसका मतलब एक प्लस वन, तो क्या आ गया एल टी माइनस वन। अब समीकरण एक के सभी पदों की हम विमाएं लिख देंगे, ठीक है। समीकरण एक के सभी पदों की विमाएं लिखने पर समीकरण एक के सभी पदों की विमाएं लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो क्या आ गया LHS की इसकी विमीय समांगता के अनुसार इसके सभी पदों की विमाएं समान हैं। या नीचे लिख, जब भी सॉल्व करिए एग्जाम में आए तो लिखिए नीचे विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार इस समीकरण के सभी पदों की विमाएं, दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान हैं, अतः यह समीकरण सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण टी इज इक्वल टू 2πL/g की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर टी क्या है, टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल टू आवर्तकाल। तो टी की विमा क्या हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो टी की विमा 2π क्या है, नियतांक है, तो 2π एक विमाहीन राशि है। L की विमा, L यहां पर दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी, L। G की विमा, G यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होती है वो LT-2, कोई सा भी त्वरण है उसकी विमा LT-2 ही होगी। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, तो यह आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2π विमाहीन राशि है, L/LT-2। तो ये हो गया L^0, T^-2, या इसको हम T^-2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा T+2 T2। तो क्या पता चल रहा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो विमीय समांगता के अनुसार समीकरण एक के दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं है, अतः समीकरण असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेय विश्लेषण द्वारा सिद्ध करना है कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी का समीकरण H=½gt अशुद्ध है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे H=½gt, समीकरण एक। तो H क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है, तो H की विमा, तो ये कितनी हो जाएगी, सबसे पहले विमा लिख लेते हैं सबकी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या हो गई LT-2, त्वरण है उसकी विमा LT-2। टी यहां समय है, अब बाएं पक्ष की विमा, ठीक है, बाएं पक्ष की विमा बराबर L, ठीक है। अब यहां से क्या लिखेंगे, दाएं पक्ष की विमा, ठीक है, दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा GT, तो हाफ विमाहीन राशि है LT-2 × T, तो क्या आ गया LT-1। तो क्या आया, अतः बाएं पक्ष की विमा इज नॉट इक्वल टू दाएं पक्ष की विमा।
अब विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं है, अतः समीकरण असत्य है या अशुद्ध है। नोट कर लो, जिसको भी इसको नोट करना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है किसी कण का वेग v बराबर at प्लस b अपान t द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां t समय है, a तथा b के विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू at प्लस b अपान t, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। अब विमीय समांगता क्या कहता है, विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, यानी इसकी विमा इसके बराबर तथा इसकी विमा इस टर्म के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, v की विमा बराबर at की विमा, इसका मतलब होता है a की विमा गुणे t की विमा। अब यहां से a की विमा क्या हो जाएगी, बराबर v की विमा बटे t की विमा, a की विमा बराबर v की विमा बटे t की विमा। अब v की विमा वेग यानी एल टी माइनस वन अपान टी, तो क्या आ गया एल टी माइनस टू, ये हो गई a की विमा। अब हमें b की विमा निकालनी है, तो b की विमा ये बराबर हो गया b अपान t की विमा, तो इसका मतलब हो गया b की विमा बटे t की विमा। तो यहां से क्या आ गया, v की विमा बराबर b अपान t की विमा बराबर b की विमा बटे t की विमा। अब यहां से हमें b की विमा निकालनी है, तो b की विमा बराबर v की विमा गुणे t की विमा, तो v की विमा क्या हो गई एल टी माइनस वन इंटू टी, तो यह आ गया एल। इस तरीके से हम लोग ए और बी की विमा निकाल ली। तो हमें किसी भी चीज की विमा निकालनी है, तो हमें जो भी टर्म दिए हैं उनकी विमा पता होना चाहिए, और विमीय समांगता से हम उसकी विमा निकाल सकते हैं।